हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तुमकोरुंगा ब्लॉग्स। तो गाइज़ कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज़ आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है गरुड़ से, यानी कि मेरी नंद के घर से। तो आज हमारा प्लान बना है कि हम जाएंगे बैजनाथ मंदिर, जो कि इनके घर के सामने से ही दिखता है और काफ़ी अच्छा व्यू है इनके घर के सामने से ही। तो हम लोग रेडी वेडी हो गए हैं मंदिर जाने के लिए। मेरे हस्बैंड नियान और जीवन वगैरह नीचे चले गए हैं और मेरी नंद भी आ रही है, तो हम नीचे चलते हैं, उसके बाद आपको मंदिर ले चलते हैं। ये है मेरी नंद का रिजॉर्ट एंड हम जाएंगे यहाँ से नीचे। हो रही मेरी नंद बिजी है कुछ ज्यादा ही। नियान और नियान के पापा आगे जा रहे हैं और ये लोग आ रहे हैं पीछे से। हाय करो हिताक्षी भाई, हाय तो बोल दो तुम भी। हाय। और ये है बैजनाथ मंदिर की पार्किंग और यहाँ पे आप देख सकते हो कितना अच्छा मतलब व्यू है। और ये पानी ना कीचड़ कीचड़ इसलिए लग रहा है क्योंकि कल यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश आई थी, इस वजह से ये गंदा हो गया पानी, तो आज ये साफ़ हो जाएगा। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ मंदिर जाने के लिए और मैंने यहाँ पर धूपबत्ती फूल वगैरह भी ले लिए हैं, तो फटाफट से चलते हैं। हाय बोलो। हाय करो, दीदी के साथ जा रहा हूँ मैं। हाय गाइस, लाइक करो सब्सक्राइब करो, बोलो लाइक करो सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। क्यों कर रहे हो? जाओ जाओ उसमें खींच। ए मैं फोन में ले खींच रही हूं। हम यहां आपसे फोटो खींच रहे हैं। इधर देखो। वाओ वाओ। अभी जीवन और विपिन अभी यहाँ पे बोटिंग कर रहे हैं, मेरा तो मन नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे कीचड़ वाला पानी हो रखा है, तो मैंने मना कर दिया है। जीवन को काफ़ी ज़्यादा फोर्स कर रहा था, मैंने बोला नहीं मुझे नहीं करना, नेक्स्ट टाइम करूँगी। तो मैं आप लोगों को इनको दिखा देती हूँ। थोड़ा साफ सुथरा पानी होता तो मैं ज़रूर बोटिंग करती क्योंकि मेरा मन बहुत ज़्यादा था बोटिंग करने का। कल बारिश हो गई ना, इस वजह से गंदा हो गया पानी, तो मेरा मन नहीं कर रहा कि ये लोग एंजॉय कर रहे हैं, मैं इनकी वीडियोज़ बना रही हूँ। गाइस अब देखो आप, ये लोग वापस आ चुके हैं
खूब फुल एंजॉय कर रहे हैं दोनों भाई। हाँ तो गाइस अब मैं जाने लग गई हूँ घर को वापस। ममता और रोहिताक्षी नियान तो पहले ही जा चुके हैं, जीवन और मेरे हस्बैंड अभी पीछे से आ रहे हैं। तो ये है मेरी नंद का रिजॉर्ट जो कि यहाँ से इतने पास है। तो गाइज मैं अपने नंद के घर पे पहुँच चुकी हूँ और यहाँ पे ना ब्रेकफास्ट भी रेडी हो चुका है। तो हम लोग ब्रेकफास्ट भी करने लग गए हैं और दोनों भाई बहन बैठ के साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड ने कर लिया ब्रेकफास्ट और नियान हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है इधर। हिताक्षी यहाँ देखो। अच्छा भैया जा रहा है तो आपको कैसे लगेगा, याद आएगी न्यू की याद आएगी आपको? हाँ या ना जल्दी बताओ, आएगी मामी की याद आएगी? कितनी आएगी बोलो, गिरोगे आप, ऐसे नहीं करते बैड मैनर्स। अब हम अपने नंद के यहाँ से निकलने लग गए हैं और अभी बज रहे हैं दिन के घड़ी का है 12:30 बज चुके हैं। 12:30 और 12:30 में कोई फर्क है आप ही बताओ? गवार लोग हैं यहाँ पे, गवार चलो चलो आ जाओ। तो चलते हैं करो पहले बाय। ये ममता की शादी से पहले की फोटोज है, ये घूमने गई हुई थी। ये तुमने कैंपिंग जो कहाँ करी थी भाई, इसमें ये अरे वहाँ गए थे हम। तो ये लगा हुआ था ऑलरेडी मुंशारी में ऑलरेडी था ना ये। तो ये है मेरी नंद की सास, अभी जीवन को टीका लगा रहे हैं। नहीं मुझे अब शगुन बनना है बस यार। ये देने की क्या जरूरत है पागल, देखो तुम हो जाना। हां जो आना भी आना है। हां दीदी की फिटो यार नाग बाबा तल भी लगा थोड़ा। अगली बार शादी आती है यार, अगली बार किसी की शादी में नहीं आएंगे हम आप लोगों से। अरे मुझे नहीं। तो ये है अंकल जी, मेरे नंद के ससुर जी। नमस्ते अंकल जी। और वहाँ सामने खड़े हैं ममता के हस्बैंड जीवन। अच्छा कैसी है आपकी बहू ये बताओ पहले, अच्छी है नहीं आपकी बहू? अच्छी है ना, बहुत प्यार करते हो आप। आप बोलोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। नहीं नहीं वो अपनी तारीफ थोड़ी करेगी, आपको करनी पड़ेगी ना, है ना? हाँ नहीं तो वे भाव बढ़ जाएंगे, इसके काम नहीं करेगी। मैं मेरी नंद की सास, इस घर की मालकिन। हाँ इस होटल की मालकिन है ये, सही बात है और होना भी चाहिए। हैंकी है इसकी जेब में। बाय बाय ताक्षी, चलो ठीक बाय अंकल जी बाय। अभी हम पहुंचे हैं भराड़ी मार्केट गरुड़ से और मेरे भाई लोग मिल गए हैं मुझे, हमारे बॉडी गार्ड। इन लोगों ने सामान वगैरह पकड़ा हुआ है, बोलो अब मैं गुस्से तो बोल मामा से रुकने के लिए। तो हम अभी कुछ खाने जा रहे हैं चाउमीन वगैरह, क्योंकि लगी है हमें बहुत ज़्यादा भूख, है ना बॉबी? भूख लगी है नहीं लगी? ये मुझे बोल रहे दी चाउमीन खिलाओ और अभी यहाँ पे ब्लॉग में बोल रहे नहीं नहीं भूख नहीं लगी, झूठा है झूठा। चाउमीन खाने चाउमीन, उठो उठो जल्दी उठो, देखो चले गए भैया लोग चले गए ना, मामू बोलो चलो जल्दी चलो जल्दी।
हेलो चार्ज पागल है तू रियल है ये रियल है हाय नियान डॉगी के साथ खेल रहा है गाइस यहाँ भुप्पी बैठे हुए हैं देखिए पता नहीं क्या देख रहे हैं ये शर्मा लड़कियों की तरफ अब गाइस दूसरी जगह जाते हैं गाइस हम लोगों ने ना नूडल्स ऑर्डर कर लिए हैं और हमारे नूडल्स आ भी चुके हैं और हमने अभी बर्गर भी ऑर्डर किए हैं मियां ना डॉगी के साथ खेल रहा वो आ ही नहीं रहा तो उसको लेके आते हैं एक बार भाई को सबसे ज्यादा भूख लगी है तो ये सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट भी कर लिया है बॉबी कैसी बनी है टेस्टी बनी है सही बनी है टेस्टी गले में अटक गया इसके इसलिए पानी भी पी रहा है ये अभी हाँ हाँ आपको भी पानी पीना है ओके आपको पानी पिलाते हैं अभी ठीक है एक ग्लास मांगे हाँ वहाँ से नियान कैसा लग रहा है आपको जगह भी बता दो कौन सी तो ये भराड़ी मार्केट में है काफी अच्छा रेस्टोरेंट है ये फर्स्ट टाइम आई हूँ मैं यहाँ पे तो मुझे बहुत अच्छा लगा खाना छोड़ के डॉगी के पास आ रहा है डॉगी डॉगी बुकर लोग भी पहुंच चुके हैं तीन लोग बुकर लोग हैं देखो हमारे पीछे पीछे आ गए तो खाने के लिए चल यार आओ चल अरे मजाक कर चल यार टॉप का बुकर अरे मजाक कर रही हूं भाई आई एम जस्ट जोकिंग ये भाग गए इनको शर्म आ गई तो क्या हो गया भाई वाह तुम इतने स्मार्ट हो क्या भूख लगी होगी ना लगी है भूख दबा के सुबह तो पराठे खा के आए हो